वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही कमाल के एक चाइनीज ऐप के बारे में बताने वाला हूँ, जहाँ से आप पूरा कंटेंट उठाकर सीधे फेसबुक पर अपलोड कर दिए होते हो तो बहुत अच्छी कम दिनों में आप लोग अर्निंग कर सकते हो और बहुत अच्छी तरह से अपने चैनल को ग्रो कर पाते हो। ठीक है ना, पेज को बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हो। और दोस्तों, इस वीडियो के देखने के बाद आपको फेसबुक पेज पर कभी भी कॉपीराइट नहीं आएगा, लिटरली गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। बाकी दोस्तों, मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ आपको, कॉपी पेस्ट करके लोग बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं और आप कैसे करोगे। ठीक है ना, तो जाकर जरूर देख लेना। अब बात करते हैं कि आपको वीडियो कहाँ से लेना है, वीडियो को एडिट कहाँ से करना है, वीडियो को डाउनलोड कैसे करना है और कैसे आपको अपलोड करना है जिससे कि कॉपीराइट नहीं आए। सबसे पहले आपको क्या करना है, डाउनलोड करने के लिए आपको इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करना है ताकि मैं वहाँ पर आपको लिंक दे सकूँ, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है। तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, वहाँ मैसेज कीजिए, मैं चाइनीज ऐप का लिंक आपको दे दूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही इस वीडियो को लाइक कर देना, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना ताकि कोई भी कॉन्टेंट आपके लिए मैं ऐसे लाता रहता हूँ, कोई वीडियो आपसे मिस ना हो सके। चलिए शुरू करते हैं। अभी अपलोड करने के बाद आपको क्या करना है, सीधे एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए बहुत सारे जो है चाइनीज वीडियोज आपको दिखाई देंगे, जैसे जो है कि यहाँ पर ट्रेंड में चल रही हैं और लाइव भी यहाँ पर चलता रहता है। ठीक है ना, आपको इन्हीं वीडियोस को यूज करके फेसबुक पर अपलोड करना है, देन यहाँ से डेली का आप लोग का डेली की अर्निंग कर सकते हो अपने फेसबुक पेज से। ठीक है ना, यहाँ पर जो बहुत ही ज़्यादा कोई भी अपना लॉगिन वगैरह नहीं करना है, सीधे उठाना है वीडियो को और जो कि डाउनलोड कर देना है। अब देखिए यहाँ पर मैं जैसे इस वाली ट्रेंड वीडियो को यहाँ से क्या करना है प्ले करके दिखाता हूँ आपको। अब जैसे मैं यहाँ पर एक वीडियो ओपन कर लिया हूँ तो देखिए ये वीडियो चलने लगी और यहाँ पर ये वीडियो कुछ चाइनीज वीडियो है इस प्रकार से यहाँ पर आ रही है। अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के यहाँ पर शेयर पर जाना है। शेयर पर जाने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे, देन यहाँ पर एक ऑप्शंस आपको दिखाई देगा डाउनलोड का, तो यहाँ पर आपको क्या करना है डाउनलोड कर लेना है। अब इस वीडियो को डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आपका वीडियो डाउनलोड हो जाए ना, उसके बाद आपका वीडियो जैसे यहाँ पर देखिए सेविंग में चल रहा है और यहाँ पर हमारा वीडियो डाउनलोड हो चुका है। अब यहाँ पर डाउनलोड होने के बाद आपको क्या करना है, अपने काइनमास्टर या एप्लीकेशन में जाना है, जिस एप्लीकेशन से आप वीडियो एडिट करते हो, तो मैं भी काइनमास्टर का यूज करता हूँ। आपको क्या करना है, वीडियो डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर जाना अपने काइनमास्टर में, देन यहाँ पर आपको क्या करना है फेसबुक का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है ना, जो फेसबुक का रेशियो होता है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है 1.1, देन क्रिएट आपको कर देना है। एंड यहाँ पर अब आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको यहाँ पर आप क्लियर देखना है। ठीक है ना, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पर मिस कर दे तो स्किप कर दे तो वीडियो को, तो कभी आपका वीडियो यहाँ पर जो कि वायरल नहीं हो पाएगा, ना ही आपके जो कि इस टाइप वगैरह का आपको जो है कि झंझट रहेगा। ठीक है ना, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको कभी कॉपीराइट नहीं है। अब देखिए ये जो हमारा वीडियो था, इसको हमने क्या करना है, मिक्सर को यहाँ से ऑफ कर देना है, बिल्कुल मिक्सर को ऑफ कर देना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, स्पीड को इसका थोड़ा सा हल्का सा बढ़ा देना है ताकि ये वीडियो जो क्या हटके हो जाए। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, वॉइस ओवर कर देना है। ठीक है ना, एक्स्ट्रा पार्ट जो यहाँ पर आ रहा है चाइनीज ऐप का क्यूआर कोड वगैरह, इस प्रकार से यहाँ पर उसे कट कर सकते हो और जहाँ से एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पर स्टार्ट होता है वहाँ से भी कट कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर आपको वॉइस ओवर कर देना है, तो यहाँ पर देखिए वॉइस ओवर करने के लिए यहाँ पर आपको क्या करना है, रिकॉर्डिंग वाले पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको वॉइस ओवर कर देना है। जैसे यहाँ पर कोई चीज़ जो आप यहाँ पर कॉन्टेंट रखना चाहे वो रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं बोल देता हूँ कि यहाँ पर देखिए इन बंदे को कलाकार, ये तीन बंदे बाइक यहाँ पर रेसिंग कर रहे हैं और सबसे आगे आ रहा वाला है और यहाँ पर कुछ ही मिनटों में जो है कि लाल वाला सबसे आगे चला जाता है। तो देखिए वॉइस ओवर हो चुका है, अब इस मिक्सर को आपको यहाँ पर फुल कर देना है। अब ये वॉइस ओवर हो चुका है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप लोग वॉइस ओवर करने के बाद आपको क्या करना है, ये जो कॉर्नर में इनका आइकन आ रहा है यहाँ पर आप लोग टैक्स्ट लिख सकते हो। ठीक है ना, यहाँ पर लिख सकते हो फॉलो मी, तो यहाँ पर आप इस प्रकार से लिख सकते हो। ठीक है ना, टेक्स्ट लिखने के बाद यहाँ पर जो उनका यहाँ पर कलर आ रहा है उस पर कलर यहाँ पर आपको पीले रख देना है, बाकी बैकग्राउंड आप लोग ब्लैक रख सकते हो। मैं ब्लैक ही यहाँ पर रखता हूँ, ज़्यादातर आपने देखा ही होगा। ठीक है ना, ब्लैक रखने के बाद यहाँ पर चाइनीज का लोगो आ रहा है, इसके ऊपर आपको लगा देना है। अब देखिए जितना बड़ा आपका वीडियो उतना पार्ट यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा कट कर देना है कटने के बाद। अब देखिए ये आपका वीडियो जो कम्प्लीटली यहाँ पर रेडी हो चुका है, अभी आपको स्ट्राइक वगैरह नहीं आएगा, सीधा आपको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के लिए 360p या 30 फ्रेम पर आपको अपलोड करने हैं, 1.86 MB यहाँ पर लेने वाला, जो काफ़ी कम है। और इस एप्लीकेशन की खास बात ये है कि यहाँ पर अनलिमिटेड आपको वीडियो मिलेंगे, अनलिमिटेड कंटेंट आपको मिल जाएंगे, देन यहाँ पर आप फेसबुक पर सीधा अपलोड कर सकते हो। अब चलिए मैं चलता हूँ मैं फेसबुक पेज पर। ठीक है ना, फेसबुक पेज पर जाने के बाद यहाँ पर एक एप्लीकेशन मिलेगा आपको प्ले स्टोर पर, क्रिएट स्टूडियो, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना ताकि यहाँ से आप लोग डायरेक्टली फेसबुक पर वीडियो अपलोड कर पाओ। ठीक है ना, यहाँ पर आप लोग क्या करना है कि यहाँ पर जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो इसी एप्लीकेशन करता हूँ। ठीक है ना, यहाँ पेंसिल का आइकन मिलेगा, इस पर आपको टैप कर देना है। पेंसिल वाले पर जैसे ही आप लोग टैप कर दोगे, यहाँ पर आपको रील्स पर क्लिक कर देना है। आप रील्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ बिल्कुल ध्यान से देना क्योंकि कॉपीराइट इसी से आता है। ठीक है ना, यहाँ पर आपको क्या करना है, अलाउ दे देना है जो सेटिंग्स मांगेगा। बाकी यहाँ पर फेसबुक पेज से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हो सीधा। अब जो वीडियो आपने एडिट किया था उस वीडियो को यहाँ से क्लिक करना है। देखिए 12 सेकंड का वीडियो था, यहाँ हमने 7 सेकंड का कर दिया, तो स्टॉप वगैरह नहीं आएगा। यहाँ पर आपको नेक्स्ट कर देना, वीडियो सेलेक्ट करने के बाद इफेक्ट लगाना चाहो लगा सकते हो। अब ये यहाँ पर रील्स का आपको लिखना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको लिख देना है बाइक रेसर। ठीक है ना, यहाँ पर आप लिख सकते हो बाइक रेसर।
यहाँ पर लिख सकते हो बाइक रेसर, ठीक है ना। और यहाँ पर कुछ हैशटैग वगैरह लगा सकते हो, स्टंट वगैरह के हैशटैग लगा सकते हो, स्टंट और रील्स, ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोग करने के बाद यहाँ पर आपको पब्लिक कर देना है, इधर शेयर नेल पर क्लिक कर देना है। अब ये आपकी रील्स जो है कि अपलोडिंग में चली गई, यानी प्रोसेसिंग यहाँ पर ले रही है। तो इस प्रकार से अपनी रील्स को जो है वायरल करा सकते हो, डाल सकते हो। तो यहाँ पर आई होप आपको जो कि वीडियो पसंद आई होगी। देखिए मैं यहाँ पर रिफ्रेश करके दिखा दूँ, हमारी रील आ चुकी है, ठीक है ना। रील यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन में आ चुकी है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोग अपनी रील्स को वायरल करा सकते हो, फेसबुक से अर्निंग कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आज कितना ही मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो किसी नेटवर्क के साथ। अब तक ले जाए एंड वंदे मातरम।